बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाओ, अनुशासन सिखाओ, उसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तथा महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या है कि बच्चों को हम बहुत पैम्पर करते हैं। पैम्पर करना मतलब बहुत लाड़ प्यार करना। एक बच्चा अभी मेरे पास में लाया था, 15 साल का लड़का है, पिताजी की उम्र करीब करीब 65 साल की है, मां की उम्र कुछ तो भी 55 साल की है, एक ही बेटा है और मां बाप को वो एक्चुअली गालियां मारता है। अबे काबे बोलेगा, गाली मारेगा, एक्चुअली मार देगा, पैसे मांगेगा, और वो जो डिमांड करता है वो मतलब इलॉजिकल अनरियलिस्टिक डिमांड रहती है। मोबाइल फोड़ देगा कभी उसके मन जैसा नहीं हुआ तो, उठक पटक कुछ भी फेंक फाक कर देगा, पढ़ाई नहीं करेगा, उसके पीछे लगना पड़ता है कि भाई पढ़ाई कर पढ़ाई कर, मतलब वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, बहुत लाड़ प्यार, लेट शादी हुई, एक ही बच्चा है, अब इतना लाड़ प्यार है कि उसने जो मांगा वो हाजिर, जो मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, तो उसको फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ही नहीं है, नो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, वो रुक नहीं सकता, उसको धीरज नहीं है, उसका ब्रेन ऐसा तैयार हुआ है कि जो मांगा वो मिलना ही चाहिए, तो वो तोड़ फोड़ करेगा, कुछ ना कुछ चिल्लाएगा, मारेगा, पिटेगा, कुछ भी करेगा। तो भी करना क्या है? अभी आपको उनके साथ में बैठ के, बच्चों के साथ में बैठ के पहले बातचीत करनी होगी। बच्चों को सुधारने का नहीं है, बच्चों को मैनेज करने का नहीं है, ये खुद को मैनेज करने का कार्यक्रम है। खुद को मैनेज करना पड़ेगा कि भाई मैं बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया, मैंने अनुशासन नहीं सिखाया, मैंने उसको जिम्मेवार नहीं बनाया, अभी मुझे वो उसको पहले बनाना पड़ेगा। ना मतलब ना, बोलता अभी मुझे आइसक्रीम होना है, अभी मुझे आइसक्रीम होना है, आइसक्रीम होना है अभी, रात को 11 बजे कहां से आइसक्रीम मिलेगा? नहीं तो फिर फेंक फा करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो उसको बोला नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। बोलता कि नहीं अभी मुझे मोबाइल चाहिए। अब दिन में उसको बोला, उसने समझो बोला आज कि मेरे को मोबाइल चाहिए और वो भी मेरे को आईफोन चाहिए। अब माँ बाप की हैसियत भी नहीं है, या समझो है भी, और जैसा बोला वैसा निकाल के फटाक से लाके दे दिया, तो कैसा पॉसिबल होगा? उसको बोला नहीं मिलेगा मतलब नहीं। एक बार आप नहीं बोलते हैं ना, तो आपने बोलना चाहिए नहीं इसका मतलब नहीं है, तेरे को नहीं मिलेगा। क्या है? बच्चों को जब तक इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब परिणाम, प्रभाव, जो आप करते हो उसका या जो वो करता है उसका, तब तक वो मानेगा नहीं। इम्पैक्ट दो तरह का होता है, एक है कि उसको सजा देंगे, एक है कि उसको रिवार्ड देंगे। अच्छा बोल करना पड़ेगा जो जहां सुटेबल है वहां, तो उसके साथ में बातचीत करना है, बातचीत करके टर्म्स एंड कंडीशंस जैसा हम फाइनल करते वैसा करना चाहिए। देख भाई तू पूरे दिन भर में कितने घंटे पढ़ाई करने वाला है? इतने इतने घंटे पढ़ाई करना। क्या क्या पढ़ाई करेगा? ये पढ़ाई कर। अच्छा कितने समय तू खेलने वाला है? ये समय। कितना समय टीवी देखने वाला है? ओके ये। कितना समय मोबाइल खेलने वाला है? मोबाइल में गेम्स खेलने वाला है, चलो ये। और फिर वो समय पे उसने वही करना है। वो ऐसे तोड़फोड़ करता है, गुस्सा करता है, फेंक फाक करता है, तो ये चलेगा नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये ऐसा उसने किया तो उसको बोलना ये अभी इसके बाद में क्या आना, तो चलेगा नहीं, तेरे को बंद करके रख देंगे। बोले नहीं नहीं बच्चा तो बंद किया तो और तोड़ फोड़ करेगा अंदर, बोला बांध के रखो उसको, अनुशासन बिल्कुल ही आपने सिखाया नहीं उसको, वो तोड़फोड़ करेगा, मारेगा, पीटेगा, इसलिए आप वो जैसा बोलता वैसा करते हो, अनुशासन कैसे आएगा, रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा? तो उसके साथ में बातचीत करके अपने वर्ड्स को कैसे ऑनर करना, अपने जबान को, अपने वचन को कैसा पालन करना, वचन का पालन कैसे करो वो सिखाना पड़ेगा, बातचीत कैसे करना सिखाना पड़ेगा, एटिकेट्स कैसे है वो सिखाने पड़ेंगे। और वो नहीं करता है तो उसका दुष्परिणाम क्या, उसका प्रभाव क्या, उसको क्या सजा है, वो भी मालूम पड़ना चाहिए उसको, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो जब अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट करो, रिवार्ड दो, शाबाशी दो, पीठ थपथपाओ, एक्नॉलेज करो, बहुत बढ़िया, वेल डन, ऐसा बोलो। ये शब्द है ना, बहुत सामने वाले आदमी को बड़ा बनाते हैं। और वो जब नहीं करता है बराबर, तो उसको पहले से ठहराना है कि तुम बराबर नहीं करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, मारपीट करेंगे, ठोकेंगे, तो हम आपको बंद करेंगे, कमरे में बंद करके रखेंगे। बच्चा बड़ा हो गया
तो उसको बोला तुमको खाना नहीं मिलेगा, तेरे को यहां रहने को जगह नहीं है, फिर तू ऐसा करेगा तो यहां रहना है तो जो हम बोलते हैं जो शिस्त है जो डिसिप्लिन है जो अनुशासन है वहीं से आपको रहना पड़ेगा, उसका ही पालन करना पड़ेगा। अब मन चाहे कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये जब उसको मालूम पड़ेगा कि यहां चलती नहीं है, यहां कुछ भी चला के लेते नहीं है, ये बहुत कड़क है, और आपको यदि अपने मन से करना है तो यहां रहने की अभी कोई सहूलत नहीं है, तो उसको चुपचाप एक तो रहना पड़ेगा नहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ के जा रहा है तो बहुत बढ़िया है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो काम का नहीं है, वैसे भी आपके हाथ के बाहर के चले गए, हाथ के बाहर चले गया, वो जा रहा तो बिल्कुल जाए, उसके लिए आपको मन कंट्रोल करना पड़ेगा। पर एक ही लड़का है, बहुत लाड़ प्यार से पाला है उसको, फिर तो वो जैसा बोलता वैसा करता है, वो पत्ते खेलेगा, ताश में पैसे कमा देगा, लॉटरी टिकट खरीदेगा, नशा पानी करेगा, और आप कुछ नहीं कर रहे क्योंकि एक ही बेटा है, तो ऐसा चलेगा नहीं। कुछ लोग बोलते कि एक ही बेटा नहीं, लड़की है लड़का है, मगर लड़का एक ही है इसलिए लाड़ प्यार बहुत है, तो वो भी वही है, पढ़ाई करता नहीं है, उसको बोलना पढ़ाई क्यों नहीं करता भाई तू, पढ़ाई हम बार बार पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो ऐसा बोलते हैं, उसको ये सिखाओ पढ़ाई क्यों करो, और उसको जिम्मेवार बनाओ पढ़ाई करने के लिए, कि पढ़ाई करेगा तो उसको क्या मिलेगा क्या हासिल होगा उसको बताना पड़ेगा। तो ये आप अनुशासन सिखाते तो बच्चा बहुत बड़ा बन सकता है, बच्चा नॉर्मल हो सकता है, आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक मतलब सॉल्व हो जाएगा, आपके मन को शांति लगेगी और बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।